इतना टैलेंटेड हो गया, चिटकली खोलना भी सीख गया। और हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूं सोहिकोत और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बासना बर्ड सर्वे में एक नया वीडियो में फिर से करता हूं बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक रेड मोलक्कन लॉरी को उनका जो ब्रीडिंग केज है उसमें हम लोग आज शिफ्ट करेंगे, और एक लॉरी किट का पेयर मेरा फार्म पे आज लाया है उनको भी रखेंगे, लेकिन अभी उनको ब्रीडिंग सेटअप मतलब ब्रीडिंग केज प्रोवाइड नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद उन लोगों को ब्रीडिंग केज प्रोवाइड करेंगे। अभी जस्ट उन लोगों को एक नॉर्मली केज पे रखेंगे कुछ दिन, उसके बाद उन लोगों का ब्रीडिंग केज में उन लोगों को शिफ्ट करेंगे। और तो पहले दिखाएंगे, उसके पहले बता देते हैं यहाँ पे मेरे जैसे जितने सारे हैंड टेम किया हुआ बर्ड मैं छोड़ के रखता हूँ इस जगह पे। आइए, हाँ, इस रूम पे देखिए सन कोनियर, येलो साइड कोनियर, जांडिया कोनूर, ये सारे मेरे जितने सारे टेम किए हुए बर्ड्स हैं सब मैं यहाँ पे छोड़ के रखता हूँ। पाइन एप्पल सब यहाँ पे दिख जाएगा, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल कलर का सारे बर्ड्स हैं। आप देखिए कितना अच्छा रेड बेस्ड कलर है, देखिए पाइन एप्पल कोनूर का चेस्ट देखिए कितना ज़्यादा रेड हुआ है, बहुत ही अच्छा कलरफुल है मेरे सारे बर्ड्स, बहुत ही अच्छा कलर के हैं। इन लोगों का इतना अच्छा कलर होने का मेन कारण है बहुत अच्छा डाइट, मेनली मैं इन लोगों को कलरिंग वेजिटेबल प्रोवाइड करता हूँ, जैसे हो गया बीट रूट, गाजर, पम्पकिन, मैं इन लोगों को डेली बेसिस पे वेजिटेबल प्रोवाइड करता हूँ और अनार ये सब प्रोवाइड करता हूँ, इसीलिए इन लोगों का कलर बहुत ही अच्छा। हालांकि इनका पेरेंट्स का कलर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी इन लोगों का कलर उनसे पेरेंट्स से बहुत ही अच्छा कलर आया है। बगल में आप इक्लेक्टस का पेयर देख सकते हैं, यहाँ पे इक्लेक्टस का फीमेल देख रहा है, बहुत ही प्यारा, और मेल भी यहाँ पे गेट पे बैठा हुआ मेल इसी केज पे, मतलब यहाँ पे मैं अपने सारे हैंड टेम बर्ड्स को छोड़ के रखता हूँ। इस पर मैं अपने फार्म के और सारे कुछ यहाँ पे पाइन एप्पल के फिक्स मतलब जो हैंड फीडिंग करके बड़े हो गए बहुत ही ज़्यादा, हाँ अभी तो सेल्फ फीडिंग हो गए, सब सेल्फ फीडिंग पे आ चुके हैं, और येलो साइड का कुछ सारे फिक्स मैं यहाँ पे छोड़ूंगा। और ऊपर मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ये देखिए मेरा फार्म पे जो नया मेंबर फिर से आया है, ये है ब्लैक केप लॉरी किट, ठीक है, और ये भी लॉरी किट का ही ग्रुप है। देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर है, ये एडल्ट नहीं है, सेमी एडल्ट पेयर है, इसका भी एक साल उम्र हो रहा है, पूरा पूरी एक साल उम्र कंप्लीट हो चुका है, और इसका डीएनए पेपर विद डीएनए मैंने इसको परचेस किया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा बहुत ही ब्यूटीफुल पेयर है, और पूरा फुल बॉन्डेड पेयर है, मतलब छोटा सा इन लोगों का ब्लड लाइन चेंज करके एक केज में रखे हुए थे, ठीक है, ये फुल्ली बॉन्डेड पेयर है। तो अभी देखिए दोनों एक साथ घूमता है, दोनों एक साथ खाना खाता है, बहुत ही अच्छा पेयर है, बहुत ही ब्यूटीफुल। इन लोगों को अभी ब्रीडिंग सेटअप पे तो नहीं छोड़ेंगे, इन लोगों को अभी एक छोटा सा केज पे छोड़ के रखेंगे कुछ दिन, अभी वॉच करेंगे, रखेंगे बाहर, ठीक है, उसके बाद जब इन लोगों का ब्रीडिंग केज रेडी हो जाएगा विद बॉक्स, तब इन लोगों को हम लोग प्रोवाइड करेंगे ब्रीडिंग केज, ब्रीडिंग केज में इन लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और अभी तो इन सारे नीचे जो मेरे येलो साइड और पाइन एप्पल के चिक्स है तो इन लोगों का अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं। देखिए अभी इन लोगों का कलर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इन्हीं का पेरेंट्स का ये सब बच्चा है, तो इन्हीं का ही पेरेंट्स का ये सब बच्चा है, लेकिन अभी अभी इतना अच्छा कलर नहीं है, कुछ दिन बाद देखिएगा कितना अच्छा अच्छा कलर में सब आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर हो जाएगा सब, इतना अच्छा रेड बेस्टेड नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद देखिएगा पूरा का पूरा रेड हो जाएगा, ठीक है। ये जितना अच्छा खाना दे सकते हैं, मतलब जितना कलरिंग वेजिटेबल कलरिंग फूड दे सकते हैं, जितना अच्छा सॉफ्ट फूड उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे उतना अच्छा कलर, उतना अच्छा कलर मेंटेन रहेगा, उतना ब्यूटीफुल कलर होगा, और फेदर्स का शाइनिंग भी बढ़ जाएगा। इन लोगों का देखिए ऑयल निकलता है शरीर में से, उनमें से इन लोगों का फेदर का जो है शाइनिंग मतलब ग्लोसीनेस आता है, तो ठीक है, अगर अच्छा खाना प्रोवाइड करेंगे, अच्छा वेजिटेबल प्रोवाइड करेंगे अच्छा से अच्छा फ्रूट प्रोवाइड करेंगे, और कुछ कुछ मैं मल्टीविटामिन में प्रोवाइड करता हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगा क्या क्या मल्टीविटामिन में यूज़ करता हूँ इन लोगों का शाइनिंग के लिए, फेदर ग्लोइंग के लिए, ठीक है, तो वो भी आप लोग अगर प्रोवाइड कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोग बर्ड का कलर भी बहुत अच्छा रहेगा, और फेदर का मतलब कलर भी बहुत अच्छा रहेगा, फेदर का शाइनिंग भी अच्छा रहेगा, और बर्ड का हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए अभी और ज़्यादा बात नहीं करके इन लोगों को सबको अभी वहाँ पर ओपन मतलब उस केज पर छोड़ देते हैं, उसके बाद ये ब्लैक केप लॉरी को हम लोग उसका केज में प्रोवाइड कर देंगे, और उसके बाद हम लोग का जो रेड मोलक्कन लॉरी किट है उसको हम लोग अपना ब्रीडिंग केज में उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो चलिए आइए। और पहले थोड़ा सा तो लड़ाई होने का चांसेस है, लेकिन धीरे धीरे एक दो घंटे में एडजस्ट हो जाएगा सब। देखिए एक एक करके सब बाहर निकल आ रहे हैं, और ये लास्ट बाकी रह गया। चलो 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 निकलो निकलो निकलो, हाँ ये भी निकल गया,
और इसी के साथ पूरा फुल ये पूरा रूम तो फुल हो चुका है, पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो चुका है, बहुत ज़्यादा से भर गया है, मतलब बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो चुका है यहाँ पे। लेकिन ठीक है, अभी भी बहुत स्पेस है, अभी भी और भी बर्ड्स पीछे यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल कलर है ये सब येलो साइड का, देखिए यहाँ पे जो बैठा है, और सन कॉलर का भी देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, ये भी लगभग एडल्ट होने के जा रहा है, मतलब एक साल तीन चार महीने से एज हो रहा है। ठीक है, देखिए अभी कितना सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आ रहा है इसका भी। चिक्स जब छोड़ के रखते हैं उसके बाद यहाँ पे जब एडल्ट होते हैं, सन कॉलर हो गया या फिर कोई भी स्मॉल कॉलर हो गया, तो इनको इन लोगों को मैं पकड़ के ग्रेने करके एक एक केयर करके वहाँ पे मैं ब्रीडिंग सेटअप में बैठाते जाता हूँ। तो इसी तरह मैं ब्रीडिंग सेटअप के और भी ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ दिन में और सारे केयर भी बनेंगे तो मेरा ब्रीडिंग सेटअप और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। चलिए अभी इन लोगों को और डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इन लोगों को भी केज प्रोवाइड करेंगे, ब्लैक कैप लॉरी को भी अभी केज प्रोवाइड करना है हमें। ब्लैक कैप लॉरी को हम लोग इसी केज पे ट्रांसफ़र करेंगे अभी कुछ दिनों के लिए, बस यहाँ पर इस केज पे रखेंगे, उसके बाद इन लोगों का ब्रीडिंग सेटअप पे इनको छोड़ेंगे। तो चलिए अभी इन केज को अंदर लेके जाके इन बर्ड्स को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अरे भाई यहीं पे शिफ्ट हो ना, क्या अंदर लेके जाओ? नहीं नहीं भाई, यहाँ पे नहीं शिफ्ट कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये टेम नहीं है, पहले का पहला बात ये टेम नहीं है और ऊपर से उड़ जाने का भी चांस है, तो इसीलिए रिस्क नहीं ले सकते। अंदर लेके जाके इन लोगों को आराम से इन केज पे ट्रांसफ़र करेंगे और अंदर का जो रेड मोलक्कन लॉरी किट है उन लोगों को भी ब्रीडिंग सेटअप पे छोड़ेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे आके अंदर आके हम ये जो डबल दरवाजा है डबल गेट को लॉक कर देंगे, तो या फिर बर्ड्स यहाँ पे निकल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसी रूम के अंदर वो रहेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं लॉरी किट लिक्विड खाने वाला एक, मतलब इन लोग को सीड्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए इन लोग लिक्विड कोई भी जूस या फिर सैरेलेक वगैरह नेक्टर वगैरह ये सब खाते हैं। और मैं इन लोगों को फल भी देता हूँ, मतलब एप्पल काट के दे देता हूँ कभी कभी, कभी कभी एक केला बनाना भी दे देता हूँ। ठीक है, अनार को भी छील के मैं इन लोगों को देता हूँ। मैं लॉरी किट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। मेरे पास ऐसे तो दो पेयर लॉरी किट हो गया, एक रेड मोलक्कन लॉरी किट और एक ब्लैक कैप लॉरी किट, तो दो लॉरी किट मेरे पास अवेलेबल हो चुका है, इसलिए दो लॉरी किट का मैं जब फीडिंग दूंगा इन लोगों को, जब सुबह को मैं क्या क्या फॉक्सफूड इन लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, उसके बाद दोपहर को क्या देता हूँ, उसके बाद शाम का टाइम क्या देता हूँ, तो सब मैं धीरे धीरे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज नहीं, किसी एक दूसरे वीडियो में पर्टिकुलर लॉरी किट को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग कैसा फूड में इन लोगों को रख सकते हैं, बिल्कुल होममेड फूड पे रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा अच्छा मैंने इन लोगों के लिए घर पे तैयार किया है, मैं इन लोगों को देता हूँ, तो ऐसे पर्सनली कोई भी दिक्कत नहीं आता, बहुत ही अच्छे से इन लोग खाते भी है और हेल्थ वगैरह भी बहुत अच्छे हैं इन लोग के। ठीक है, तो चलिए अभी इन लोगों को इस केज में शिफ्ट कर देते हैं। और अभी देखिए एक तो चला गया और ये दूसरा भी चला गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं लॉरी किट बहुत ही प्लेफुल एक बर्ड है, बहुत ही प्लेफुल, मतलब देखिए दिन भर ये लोग खेलते ही रहता है, बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल। और यहाँ पे एक बार जब आ गए ब्रीडिंग सेटअप पे, तो चलिए एक बार मैंगो का सब भी हेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का है मैंगो, ठीक है, ग्रेटर सल्फर कॉकाटू, आप लोग जिसको पहचानते हैं बहुत ही अच्छा से मैंगो को। तो देखिए क्या हालत किया है इसके लिए, मुझे एक केज में लॉक लगा के रखने पड़ते हैं, मतलब ये छिटकी नहीं खोलना भी सीख गया। देखिए अभी भी जाके खुला हुआ ही था, मैंने लगाया अभी आप लोगों के सामने वीडियो में, तो मैं इन लोग ऐसे करके डेली मैंगो को खाना देता हूँ यहाँ पे और फिर इसको लगा देता हूँ, तो ये देख देख के इसके अंदर से ये मुंह निकाल के इसको भी छिटकनी को भी मतलब खोलना सीख गया है। इतना इन लोग इतना मतलब इतना टैलेंटेड हो गया, छिटकनी खोलना भी सीख गया। तो मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा था कि मैं इसको अंदर रख के जा रहा हूँ, उसके बाद फिर ये बाहर कैसे घूम रहा है इस रूम के अंदर, डेली देखता हूँ ये छिटकनी खुला रह जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो आज मैं हो सकता लगाने के लिए भूल गया हुआ, तो लेकिन फिर भी बार बार डेली मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, उसके बाद से मैं नोटिस किया कि नहीं ये तो खुद से खोलना सीख गया है। ठीक है, और इसीलिए मैं यहाँ पे लॉक लगा के रखा हूँ और इसको अभी ऊपर से बाहर निकालेंगे। और देखिए इधर भी ये तो तोड़ दिया है, ठीक है, इसको अभी नया केज प्रोवाइड करना है हमें, ये केज में और नहीं होगा, नहीं रहेगा मैंगो मैंगो। अच्छा देखिए बहुत ही अच्छा साइज है मैंगो का, बहुत ही लार्ज मैंगो, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही कूल, मतलब बहुत ही प्यारा है, सबका पास चला जाता है बहुत इजीली। क्या हुआ मैंगो? देखिए आप मैंगो का साइज देख सकते हैं कितना अच्छा है, और
रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अभी तो मैंगो मतलब दिन भर में इन लोग इसको जो भी फीडिंग देता है उसके बाद इसको प्रॉपर 20 ml इसको 821 फीडिंग चाहिए, नहीं तो चिल्ला चिल्ला के पूरा कान फाड़ देता है मेरा। ठीक है, पर डे इनको 20 ml हैंड फीडिंग चाहिए, वो भी 821 से। इसलिए डेली शाम को मेरा एक रूटीन रहता है इसको आके हैंड फीडिंग दे के जाना, नहीं तो फिर जितना भी खाना खाए ये कम है, लेकिन इसको चाहिए, नहीं तो चिल्ला चिल्ला के पूरा कान फाड़ देता है। ये पूरा बर्ड फार्म सूफ हो जाता है, लेकिन मैंगो कॉन्स्टेंटली चिल्लाते रहता है। इसीलिए इसके लिए पर्सनली आके स्पेशली आके मेरे को हैंड फीडिंग दे के जाना पड़ता है। तो मैंगो से अभी मिल लिए हम लोग और मैंगो का भी अंदर रख देते हैं। चलो मैंगो अभी चला जाओ अंदर जाओ। और फ्रेंड्स इसी केज पे हम लोग छोड़ेंगे तो रेड मोलास्कन लॉरिकिट को, हाँ इसी को छोड़ना है, ये रेड मोलास्कन लॉरिकिट इसी को छोड़ेंगे हम लोग इस केज पे। ठीक है, और ये केज अभी मेरा फाका पड़ा, मतलब ये केज में अभी कुछ नहीं है। ठीक है, इसी केज में हम लोग रेड मोलक्कन लॉरिकेट को छोड़ेंगे। अब इसको छोड़ देते हैं अंदर, पहले ये इसका गेट खोल लेते हैं हम लोग। ये लॉरिकेट ग्रुप बहुत ही प्लेफुल बर्ड्स होता है और ये तो रेड मोलक्कन लॉरिकेट है। चलो चलो अंदर जाओ जाओ जाओ, अगर एक चला गया तो उसको देख के दूसरा भी चला जाएगा, लेकिन किसी एक को तो पहले जाना ही होगा। और देखिए फ्रेंड्स एक तो चला गया और इसको देख के शायद ये भी चला जाएगा अभी। हाँ देखिए दोनों का दोनों चला गया और बिल्कुल इसका दोनों तरफ सन कॉर्नर का पेयर है। और इतना बड़ा सेटअप पे आके बहुत ही ज़्यादा खुश है ये लोग। और तो फ्रेंड्स जैसे कि ये लॉरिकिट का पेयर तो पूरा का पूरा एडल्ट हो चुका है, इसीलिए इन लोगों को नेस्ट बॉक्स प्रोवाइड करके रखा मैंने पहले से, और इसमें अभी नेस्टिंग मटेरियल भी इन लोगों को प्रोवाइड कर देंगे ताकि इन लोग झट से ब्रीड में आ जाए। और तो चलिए अभी नेस्ट बॉक्स में नेस्टिंग मटेरियल जो प्रोवाइड कर देते हैं। नेस्टिंग मटेरियल मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का भूसी, कुछ भी कह सकते। और ये देखिए फ्रेंड्स ये सिंपल से लकड़ी का बुरादा, इसी को मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और उसके पहले जैसे कि मेरे हर वीडियो में आप लोग देखते हैं एक तरह का पाउडर मैं प्रोवाइड करता हूं ताकि बॉक्स में चींटी वगैरह कीड़ा वगैरह ना लगे। ठीक है, और ये सिंपली आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ये बर्ड्स के लिए बनाया जाता है और बर्ड्स मार्केट छोड़ के आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ बर्ड्स मार्केट में मिलता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको अगर नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली नीम का पत्ता भी दे सकते हैं, नीम का पाउडर भी बना के दे सकते हैं बॉक्स के अंदर। और ऊपर से अगर आपके पास टर्मरिक पाउडर तो एज यूजल घर में तो होगा ही टर्मरिक पाउडर, मतलब हल्दी पाउडर, तो हल्दी पाउडर भी छिड़क के उसके बाद आप नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो भी चींटी कीड़ा ये सब लगने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा और बर्ड्स का एक भी बहुत अच्छा हेल्दी रहेगा, बर्ड्स का एक में कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और चीक्स भी बहुत सेफ रहेगा। तो चलिए अभी इसको पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके छिड़क देते हैं यहाँ पे। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा करके छिड़क देते हैं चारों तरफ। ठीक है, और अभी नेस्टिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद यहाँ से नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे हम लोग। देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें नेस्टिंग मटेरियल मैंने प्रोवाइड कर दिया ताकि इन लोगों को एग ले करने में कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं आए। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया और मेरा बर्ड सेटअप देख के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे, मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे, तो और भी अच्छे अच्छे बर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे बर्ड्स का लेकर इन्फॉर्मेशन जितना ही मुझे मालूम है मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करूंगा मेरे चैनल पर। मेरे इस वीडियो का एक लाइक कर दिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल बासना बर्ड्स को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस करके ऑल कर दिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मोबाइल या कंप्यूटर तक मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।